करते हैं बिलासपुर की तरफ। तो बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? बिल्कुल सिमरन, देखिए आज राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन का दौरा है, बिलासपुर दौरा है, एक दिवसीय प्रवास पे वो आज बिलासपुर आएंगे। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एआईयू के कुलपति सम्मेलन होना है, उसमें शिरकत करेंगे। तमाम जो अधिकारी रहेंगे उनको संबोधित भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिलासपुर के एसडीएम सूरज साहू ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें पटवारी और आ रही जो तहसील कार्यालय है वहां शुक्रवार को वहां मौजूद इसलिए रहेंगे क्योंकि जो किसान है वो उनको कहीं ना कहीं कुछ काम रहते हैं और काम के लिए वो उनको चक्कर काटना पड़ता है तहसीलों का, तो इनको देखते ही वे बिलासपुर के जो एसडीएम है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि शुक्रवार को एक समय निर्धारित कर दिया गया है, तमाम जो काम है उनको निपटाने के लिए कहा गया है। तो बिलासपुर जिले में ये कहा जा सकता है कि जो लोग है जो काम तहसील में आते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार काम से छुटकारा मिल जाएगा और उनको बार बार तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, दूसरी तीसरी बड़ी अगर खबर की बात करें तो देखिए एसीसीएल के कर्मचारी से 6 लाख रुपए की ठगी हो गई है, और ठगी इसलिए हुआ है क्योंकि तमाम प्रकार के अभी सोशल साइटों पे ओटीपी मांगती है और जिस वजह से जो एसीसीएल के कर्मचारी है उनको भी एक ओटीपी गया था, ओटीपी के बाद से उनके खाते से तकरीबन 6 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिलहाल देखिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार छानबीन कर रही है और यह भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए बिलासपुर में एक और सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो देखिए हमने बताया थे कि मौसम विभाग ने कल अलर्ट जारी किया है कि बिलासपुर के कुछ जिलों में बीते 2-3 दिनों के लिए हल्की बारिश होंगी। आज हम देखे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश हुआ है और कहीं ना कहीं बारिश होने से जो किसान है वो चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि कई किसानों का धान अभी भी धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंचा है और कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने चना तिवर जो फसलें हैं वो उगाई है, तो ये जो मौसम बदलने से कहीं ना कहीं उन्हें काफी नुकसान उनको हो सकता है। देखिए बिलासपुर में एक और बड़ी खबर है, जो एक वीडियो वायरल हुआ था जो मसूरी धान खरीदी केंद्र का मामला था, मसूरी धान खरीदी केंद्र में वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि जो वहां के जो हेमाल है उनके द्वारा धान निकाली जा रही थी, बारदाने से धान निकाला जा रहा था, जिसको लेकर के TV24 ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी और मामले को लेकर के अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया है और जो जांच है वो एसडीएम ने संयुक्त संचालक उपज मंडी के अधिकारियों को सौंप दी गई है, तो एक बड़ी कार्रवाई आज हमें बिलासपुर में देखने को मिल सकती है। ऐसे जो लोग है कहीं ना कहीं किसानों के हक पर डाका डालते हैं या फिर उन्हें बार बार घुमाया जाता है, इन पर एक बार फिर बिलासपुर में कार्रवाई हो सकती है। तो सिमरन ये कहा जा सकता है कि आज बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी जी सुधीर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।